हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और अभी की बात करें तो एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, वैल्यू बाइंग आईटी स्टॉक्स। ऐसे आईटी स्टॉक्स जो कि आज के दिन में भागे नहीं है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भागेंगे, और जब वो भागेंगे तो दूसरे आईटी स्टॉक्स वाले जिनके पास है वो देखते रह जाएंगे और उनसे बेहतरीन रिटर्न्स ये आईटी स्टॉक्स देते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सा इन पे पेशेंटली यहाँ पर वेट करिए, और जिनके पास है और नहीं है तो यहाँ पर आप एक्वायर करने की कोशिश करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट अपनी खुद की स्टडी करके और फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके आपको कोई पोजीशन लेनी है। तो हम ऐसे पांच स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, जो कि आपको बेहतरीन अगर बात करें बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, उन स्टॉक से रिलेटेड बातें करते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा जो आपका चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें और दूसरी वीडियोस को जाके देखिए और सीखिए, और उन्हें भी लाइक करें। कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो वहाँ कमेंट करिए, जवाब देने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा अपने अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक मैं एक आपको चुनना चाहता हूँ, वो है ग्लेनफार्मा की अगर बात करूं, अभी आता हुआ दिखाई दिया है स्टॉक्स। और अगर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो यहां पर हम देखें तो फार्मा में आज आपने देखा होगा कि फार्मा जो इंडेक्स है वो भागता हुआ दिखाई दिया। अगर मैं यहां पर निफ्टी फार्मा आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहां पर हम चलते सीधे यहां पर निफ्टी फार्मा, तो आपको पता चलेगा निफ्टी फार्मा का जो ये इंडेक्स है आज की डेट में भागता हुआ दिखाई दिया। यहां पर आप देखिए अच्छा खासा यहां पर भागता हुआ दिखाई दिया, लगभग 1% की यहां पर जंप थी। तो क्या रीजन था, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यू केसेस एंड अगर की बात करें तो यहाँ पर न्यू केसेस आने दोबारा शुरू हो गए, जहाँ पर जनवरी में यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर यहाँ पर केसेस आ रहे थे। उसके बाद कंटिन्यूअसली यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जब यहाँ पर 14,000 और कम ही यहाँ पर केसेस आ रहे थे। तो अभी अब अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पर केसेस बढ़ना शुरू हो गए, और दोबारा केसेस कितने आ रहे हैं यहाँ पर देखेंगे, न्यू केस तो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 210,816 केसेस अभी यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, 1 सितंबर का यहाँ पर डेटा है, और ये डेटा हमेशा डेली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है और एवरेज भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो न्यू वैक्सीनेशन की बात करें तो देखिए यूएस में सबको मोस्टली यहाँ पर वैक्सीन लग चुकी है डबल डोज, बट स्टिल यहाँ पर न्यू वेरियंट है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया इससे पीछे नहीं रहेगा, यहाँ पर दोबारा वेव आएगी डेफिनेटली, ओके आती हुई दिखाई देगी। तो आपको ऐसे स्टॉक्स पे अब दोबारा नजरें रखनी है जो कि भागते हुए दिखाई देंगे और जो नीचे के लेवल पर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्लेनफार्मा के बारे में बताना चाहता हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें ये आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था, मार्केट कैप देखिए लार्ज कैप कंपनी है, 62 का यहाँ पर पी जरूर है, आरओसी यहाँ पर देखिए 28 की है, डेट फ्री कंपनी है, कोई प्राइसिंग नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें सेल्स की, तो सेल्स यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इस बार की जो सेल्स थी वो हाईएस्ट एवर थी, इस बार का जो नेट प्रॉफिट था वो हाईएस्ट एवर था। ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न्स दिए थे, ओके रिजल्ट अच्छे खासे थे ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे, और यहाँ पर रिजल्ट देखिए रिजल्ट अच्छे खासे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बोरिंग की बात करें डेट फ्री कंपनी है लगभग, और यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में 338 करोड़ रुपये, जब 338 यहाँ पर एड होंगे तो यहाँ पर दोबारा सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। कैश रिच कंपनी है, कैश बेहतरीन है, 3,000 करोड़ का कैश है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है, और यहाँ पर 58% के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, FIIs के पास 10-11% के आसपास है, DIIs ने भी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास यहाँ पर 19% दिखा रहा, बट 19 नहीं है इसमें से, यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 10% यहाँ निकाल देंगे, तो 9% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक बड़े बड़े लोगों के पास यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर मैं आपको ग्लेनफार्मा की बात बताऊं, तो ग्लेनफार्मा काफी दिन से यहाँ पर एक ही साइड बेस जोन में चल रहा है, देखिए यहाँ पर ये भागता हुआ दिखाई दिया था, ओके यहाँ पर मैंने आपको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3100-3200 रुपए पे वीडियो बनाई थी, उसके बाद एक कंसिस्टेंट रैली थी 4300 रुपए तक, और फिर यहाँ पर दोबारा अगर हम देखें तो ये शेयर दोबारा एक साइड बेस जोन में चलता हुआ नजर आ रहा है, लगभग एक महीने से ज्यादा 1.5 महीने हो गए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शेयर दोबारा यहाँ पर कभी भी जंप ले सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा ग्राफ करने की कोशिश करो, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर एक बार कोशिश करो। और यहाँ पर देखें तो जब भी यहाँ पर 50 DMA के आसपास शेयर आता है तो भागता है, दोबारा मुझे भागता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अपनी स्टडी के हिसाब से आप देखिएगा।
इसके अलावा एक और शेयर की बात करते हैं यहाँ पर दूसरे शेयर की, तो क्लीन साइंस की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर आपको 1400 कुछ पे यहाँ पर शेयर को आपको मैंने बताया था, आज के दिन में भी अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया, ये कल का प्राइस है। मार्केट कैप की बात करें तो देखिए मिड कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ रुपीज का यहाँ पर मार्केट कैप है। यहाँ पर बात करें डेट फ्री कंपनी है, प्लेजिंग कुछ नहीं है, आरओसी भी बेहतरीन है, तो ऐसी ही कंपनी हमें चुननी पड़ती है जहाँ पर फंडामेंटल अच्छे हो, और जब फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं ना कंपनी सूनर और लेटर यहाँ पर भागना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर देखिए सेल्स यहाँ पर अच्छी खासी है, ईयर क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स बढ़ी है, ईयरली बेसिस पे यहाँ पर सेल्स परफॉर्मेंस बेहतरीन है, हाईएस्ट लेवल यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। रिजर्व्स की बात करें रिजर्व्स बेहतरीन है, 529 करोड़ की कोई बोरिंग नहीं है, 55 करोड़ रुपए कवर की प्रोग्रेस में यहाँ पर मान रखा हुआ है, जब ये यहाँ पर एड होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सब चीज यहाँ पर दोबारा चेंज होती हुई नजर आएगी, सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी, रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आएंगे और प्रॉफिट यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 16 करोड़ रुपए का कैश है, 193 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनके बुक में यहाँ पर पैसे दिखाई दे रहे हैं, 94% के शेयर पर यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास है और पब्लिक के पास केवल और केवल कुछ परसेंट के शेयर है पॉइंट में वो भी। अगर हम यहाँ पर बात करें क्लीन साइंस की, तो क्लीन साइंस को मैंने पहले भी आपको बताया था, उसके बाद यहाँ पर शेयर कुछ यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया और आज की डेट की बात करें तो लगभग 4.18% यहाँ भागता हुआ दिखाई दिया है, और मुझे नजर आता है अब ये शेयर की यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर के लेवल पर यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा, पहले यहाँ पर ये लेवल भी तोड़ेगा और फिर उसके बाद और भी यहाँ पर अच्छा खासा ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस शेयर की तरफ नजरें बना के रखिए, यह शेयर काफी बेहतरीन है। यहाँ पर अगर हम बात करें एक और शेयर की, तो यहाँ पर एक और शेयर की यहाँ पर बात करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। देखिए एंकर इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक्स में एंकर इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं, आपको पता ही है, और एंकर इन्वेस्टर जब पैसे लगाते हैं तो उनका एक महीने के लिए अगर आईपीओ आज की डेट में आया है तो आज की डेट से एक महीने तक वो पैसा यहाँ से निकाल नहीं सकते, उनका पैसा लॉक हो जाता है। तो अगर बात करें ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की, तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का जो एक महीना था वो कल की डेट में खत्म हो गया, इस वजह से अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जीएलएस अगर मैं निकालता हूँ तो आपको पता चलेगा कि आज की डेट में यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली होती हुई दिखाई दी, तो लगभग 3.61% ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, बट अगर हम देखें तो शेयर ने सपोर्ट लेते हुए नजर आया, तो यहाँ पर ये जो ये सपोर्ट बने हुए ना 665 रुपए के आसपास का, ये बेहतरीन सपोर्ट है। ओके इसे अगर तोड़ता है तो नीचे जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतने बेहतरीन शेयर को, बेहतरीन क्यों बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो कंपनी काम करती हुई नजर आती है, ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का एक पार्ट है पहली बात, तो यहाँ पर देखिए एपीआई में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और दोबारा अगर देखिए केसेस यहाँ पर बढ़ ही रहे हैं तो ये कंपनी दोबारा यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। ROC देखिए 96% की ROC, डेट फ्री प्लस फ्री यहाँ पर ये कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी भागती भी तेज है, आपको पता ही है, पी रेशो कुछ ज्यादा नहीं है, और जो छोटी कंपनी होती है ना वहाँ पर अगर बात करें उन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर चांसेस रहते हैं, बड़ी कंपनी ज्यादा ग्रो करने की कोशिश नहीं, मतलब ज्यादा ग्रो करने में थोड़ा टाइम लेती है, बट छोटी कंपनी अगर अच्छी कंपनी है तो ग्रो बहुत जल्दी करती है। सेल्स की बात करें सेल्स हाइएस्ट एवर, नेट प्रॉफिट है यहाँ पर हाइएस्ट एवर है पिछले दो क्वार्टर का, ईयरली बेसिस पे सेल्स की बात करें जो कि बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसके अलावा नेट प्रॉफिट वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हाईएस्ट एवर रिजर्व्स बेहतरीन है, 751 करोड़ के रिजर्व्स, 14 करोड़ पे वर्किंग प्रोग्रेस में, दोबारा यहाँ पर एड होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर दोबारा से इनकी सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी, 116 करोड़ का यहाँ पर कैश है और जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर दे नहीं रखा, बट कोई इशू नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर अच्छा खासा ही होगा, और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता चुका हूँ अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर नीचे लेवल पर है, बाय ऑन डिप्स करके यहाँ पर खरीद सकते हैं अगर गिरेगा तो, वरना यहाँ पर एक ही दायरे में यहाँ पर अभी चलता नजर आ रहा है, एक महीना हो चुका है ये शेयर फिर भागता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ये शेयर आपको दोबारा आपके पैसे डबल करता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए इस शेयर को GLS। इसके अलावा हम बात करते हैं तत्व चिंतन, तत्व चिंतन फार्मा द्वारा सेम यहाँ पर फार्मा की यहाँ पर कंसेप्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट इलेक्ट्रोसाल्ट यहाँ पर इस कंपनी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, पी थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है, ROC की बात करें 28 का ROC है, 36 का ROE है, 54% का डेट भी है, और यहाँ पर प्लेज की बात करें तो ये शेयर थोड़े से यहाँ पर कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है, बट पर बात करें इसके रिजल्ट्स की तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर अगर देखते हैं ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन है, प्रॉफिट में है कंपनी, और बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो कंपनी ने यहाँ पर
ईयरली बेसिस पे भी परफॉर्म करके दिखाया है। यहाँ पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एज वेल एज सेल्स है। यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स बेहतरीन है, बोरिंग थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। वर्किंग प्रोग्रेस में 10 करोड़ रुपए। इसके अलावा बात करें कैश की, 5 करोड़ रुपए का कैश भी है, जो भी पैसा बुक में दिखाई देता है। हमेशा कैश पॉजिटिव कैश फ्लो रहा है। और यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स की बात करें तो आरओसी यहाँ पर कभी भी 20 के नीचे नहीं आई, और 20 के नीचे आरओसी, 20 से ऊपर आरओसी है, तो समझिए कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर बेहतरीन है। और इसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर वीडियोज बनाई थी और आपको बताया भी था, यहाँ पर देखिए तत्व चिंतन से रिलेटेड, तो यहाँ पर वीडियोज यहाँ पर आई थी तत्व चिंतन, देखिए यहाँ पर ये तत्व चिंतन, तो आपको यहाँ पर बताया भी था ये कि अभी मत लीजिए, थोड़ा सा गिर सकता है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर ये शेयर कंटिन्यूअसली टी के साथ यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या नजर आ रहा है, अब यहाँ पर नजर आ रहा है देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसने एक शेयर शोल्डर बनाया है, इसके बाद यहाँ पर दोबारा ये हेड बनाता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे नजर आता है कि ये शेयर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से अगर आप जाते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ इस लेवल से आपको मिलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि कितने होते हैं अगर हम बात करें तो 10% के तो ये रिटर्न आते हैं। और क्या चार्ट पैटर्न बनाता है उसके हिसाब से भी डिपेंड करेगा। थोड़े फंडामेंटल्स के थोड़े से कमजोर है, बट स्टिल कंपनी अच्छी खासी नजर आ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात करें तो यहाँ पर जीआर इंफ्रा, यहाँ पर एक कंपनी है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, तो इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिए। ये भी कंपनी काफी बेहतरीन है, 22% का आरओसी है, आरओई 27% का है। डेट की बात करें कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट है, 114% के आसपास का डेट है, स्मॉल कैप कंपनी है। प्लेजिंग की बात करें कोई यहाँ पर शेयर प्लेज नहीं है। यहाँ पर देखिए इसके जो रिजल्ट है वो अच्छे खासे हैं, यहाँ पर आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका रीजन है लॉकडाउन। ओके, यहाँ पर स्टिल यहाँ पर कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पर बैठी हुई है। और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी का ईयरली बेसिस पे बहुत बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है। कंपनी का 35 करोड़ का प्रॉफिट 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में तब्दील हो गया है। रिजर्व्स यहाँ पर देखिए 4000 करोड़ के आसपास के रिजर्व है, बट यहाँ पर एक चीज यहाँ पर नेगेटिव है वो है बोरिंग। कंपनी का बोरिंग बहुत ज्यादा है, बट अगर हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर 55 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में है। इनके पास हमेशा डील्स रहती है, 103 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। कंपनी काफी बेहतरीन है, 831 करोड़ का कैश भी है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं 86। अभी इसका जब यह आईपीओ आया था तो ये कंपनी ने ज्यादा परफॉर्मेंस करके नहीं दी, सॉरी यहाँ पर इनके प्रमोटर्स ने ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बेची, इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें स्टिल यहाँ पर देखिए कुछ ही परसेंट के शेयर है जो कि यहाँ पर पब्लिक में फ्री फ्लोट है, बाकी थोड़े से ही शेयर यहाँ पर नजर आते हैं। और यहाँ पर कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्हें अपनी कंपनी पर बहुत ज्यादा विश्वास है कि ये कंपनी और आगे जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके का इसने यहाँ पर बॉटम बना लिया है 1500 कुछ के आसपास का, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये शेयर अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर दीजिए। इस तरीके के जो नेगेटिव वाले शेयर होते हैं ना वो जल्दी से यहाँ पर भागते हुए दिखाई देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 5 शेयर, ग्लैंड फार्मा, क्लीन साइंस, जीएलएस, तत्व चिंतन, जीआर इंफ्रा, इन शेयरों की तरफ नजरें बना के रखिए। कब कब में ये शेयर भागना शुरू कर देंगे थोड़ा थोड़ा चाल लगा दिखा के, और कब कब में पैसा डबल कर देंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। सो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंस शेयर पर खुद की स्टडी करनी है, शेयर यहाँ पर आपको खुद के हिसाब से चुनने हैं। यहाँ पर कुछ शेयर में मेरी पोजिशन है, कुछ में मैं आगे चल के लूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।